दोस्तों वो कहते हैं ना कि खुदी को कर बुलंद इतना कि खुदा भी पूछे बता बंदे तेरी रजा क्या है। और आज की कहानी में ये कहावत बिल्कुल परफेक्ट बैठती है। चाहे एक लड़की इतनी गरीब थी कि उसके पास जूते खरीदने तक के पैसे नहीं थे और वो नंगे पांव रेस में दौड़ने के लिए मजबूर थी, जिसे देखकर हर कोई उसका मजाक उड़ाता था। लेकिन जब इस लड़की ने दौड़ना शुरू किया तो वही लोग उसके लिए तालियां बजा रहे थे। अब आइए जानते हैं वो लड़की कौन है और उसने किस तरह का ऐसा अजूबा करके दिखा दिया जिसके बारे में सोच पाना भी आम लोगों के बस की बात नहीं है। बस इस लड़की की कहानी जानने के लिए वीडियो के अंत तक चिपक कर बैठ जाना। दोस्तों, आज विज्ञान हर क्षेत्र में अपने पैर पसार रहा है, जो कि ठीक है। अरे हम कहते हैं अच्छी बात है, लेकिन आप खुद ही बताइए, क्या ये अच्छी बात है कि टेक्नोलॉजी के चक्कर में हम अपनी लाइफ जीना ही भूल जाएं? कभी तो आपको इंसान सड़कों पर कम और घर पर बैठकर मोबाइल फोन या लैपटॉप चलाता हुआ ज्यादा दिखेगा। इसीलिए स्पोर्ट्स वगैरह जैसी चीजें तो जैसे खत्म ही हो रही हैं। कुछ गिने चुने स्पोर्ट्समैन ही हमें फील्ड पर अच्छा प्रदर्शन करते हुए दिखते हैं, वरना तो आधे से ज्यादा बाप के पैसों से घूस देकर टीम में अपनी जगह बनाते हैं। और ये चीज किसी एक खेल के बारे में नहीं कह रहे हैं, बल्कि लगभग सभी खेलों में यही होता है, जहां लोग डोनेशन देकर अपनी जगह पक्की करते हैं और जो असली टैलेंट है वो गरीबी के चक्कर में अपने देश के लिए कभी खेल ही नहीं पाता है। पर कुछ बच्चे इतने जिद्दी होते हैं कि अपना सपना पूरा करने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार हैं। दोस्तों, रिया बुलोज नाम की लड़की फिलीपींस की है, जिसने 11 साल की उम्र में अजूबा ही करके दिखा दिया। असल में बहुत कम उम्र में ही इस लड़की को स्पोर्ट्स का शौक था, जिसके चक्कर में ये बहुत मेहनत करती थी और इसे इस बात का कोई भी दुख नहीं था कि ये एक गरीब फैमिली से बिलोंग करती है, जहां इसके लिए बेसिक चीजें भी किसी लग्जरी से कम नहीं थी। पर फिर भी इसने अपने अंदर के जुनून को मरने नहीं दिया। हालांकि रिया ये बात बड़े अच्छे से जानती थी कि अगर ये स्पोर्ट्स में जाती है तो इसके पास कभी भी वो स्पेशल इक्विपमेंट्स नहीं रहेंगे जो बाकी बच्चों को स्पोर्ट्स अच्छे से खेलने में मदद करते हैं। पर फिर भी ये अपने पास मौजूद चीजों से ही अपने आप को बेहतर बनाने में लगी रहती थी, इसलिए इसके कई सारे साथी इसे हर समय जलील करते थे। यहाँ तक कि कुछ लोग इसे भिखारी भी बोलते थे। पर फिर भी ये लड़की फटे पुराने कपड़ों और चीजों से एक बेहतर स्पोर्ट्स पर्सन बनने में लगी रहती थी। यही कारण है कि इसे किसी की भी बात का कोई बुरा नहीं लगता था, इसे तो सिर्फ अपने गोल को अचीव करना था। ऐसे में जब इसे पता चला कि बच्चों के लिए एक स्पोर्ट्स क्लब ऑर्गेनाइज किया गया है तो खुशी से फूली नहीं समाई और इसे भी इस स्पोर्ट्स क्लब में हिस्सा लेना था। हालांकि रिया ये बात अच्छे से जानती थी कि उसके पेरेंट्स के पास पैसे नहीं है और लड़की के माता पिता भी ये समझ नहीं पा रहे थे कि वो किस तरह अपने बच्चे की मदद करे। पर फिर भी रिया ने एक चांस मांगा और वो ये साबित कर सके कि वो कितनी अच्छी स्पोर्ट्स पर्सन बन सकती है। रिया की इन बातों को सुनकर लोग मान तो गए, पर इस 11 साल की बच्ची के सामने कई सारी शर्तें रखी गई कि अगर इस बार ये खुद को साबित नहीं कर पाई तो इसे अपना पैशन छोड़ना पड़ेगा। लगता है इन बातों को रिया ने कुछ ज्यादा ही सीरियसली ले लिया, जहां इस इंसिडेंट के पहले कोई इस लड़की का नाम तक नहीं जानता था, आज वहीं हर तरफ इसकी चर्चाएं हो रही है। स्पोर्ट्स क्लब में ट्रेनिंग करने के बाद रिया ने इंटरनेशनल स्कूल ऑफ कॉम्पिटिशन में हिस्सा लिया। सबसे अच्छी बात यह थी कि कॉम्पिटिशन रिया के घर के आसपास ही था, वरना इसके पास इतने पैसे भी नहीं थे कि ये कहीं दूर जाकर इस प्रतियोगिता में हिस्सा ले पाती। अब जैसे ही रिया रेस में दौड़ने जाती है, जहां पर हर तरफ रेस में हिस्सा लेने वाले लोगों ने महंगे महंगे और मजबूत जूते पहन रखे होते हैं, तो वहीं इस 11 साल की बच्ची के पैरों को देखकर हर कोई अपने दांतों तले उंगलियां दबा लेता है। जहां हर किसी का यही कहना होता है कि इस यंग एथलीट के पैरों को देखकर पूरी तरह से सरप्राइज हो गए थे। दोस्तों, रेसिंग में हिस्सा लेने के लिए रिया कुछ भी करने को तैयार थी, पर मुश्किल केवल एक थी, वो ये कि इनके पास कोई भी जूता नहीं था जिसे पहनकर ये रेस में दौड़ सके। और अपने इस समस्या का समाधान करने के लिए रिया ने एक तरकीब निकाली और टेप की मदद से अपने खुद के जूते तैयार कर लिए। यहां तक कि अपने टेप से तैयार किए गए जूतों में इस लड़की ने नाइकी का लोगो भी बना दिया और इसी तरह ये इस रेसिंग में हिस्सा लेने आ गई। पर अभी तो ये केवल ट्रेलर था, पिक्चर अभी बाकी थी, क्योंकि छोटी सी लड़की अपने स्टेप से बनाए गए जूतों के सहारे एक दो नहीं बल्कि तीन रेस में दौड़ने वाली थी, जिनमें से एक 400 मीटर की रेस थी, दूसरी 800 मीटर की रेस थी और तीसरी पूरे 1500 मीटर की। तब सबको लगा कि रेस तक कंप्लीट नहीं कर पाएगी,
पर वो कहते हैं ना कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। और यहाँ भी कुछ ऐसा ही चमत्कार हुआ, जहां रिया ने जूते ना होने के बावजूद पहली 400 मीटर की रेस जीतकर लोगों की बोलती बंद कर दी। पर रिया को अभी भी सुकून नहीं आया, तभी तो इसने 800 मीटर की रेस दौड़ी और उसे भी जीत कर दिखा दिया। पर हद तो तब हो गई जब इस लड़की ने पूरे 1500 मीटर की रेस दौड़कर हर किसी को हैरान कर दिया और उसमें भी जीत हासिल कर ली। इसके बाद ये लड़की अपने घर एक दो नहीं बल्कि पूरे के पूरे 3 गोल्ड मेडल लेकर पहुंची थी, जिसे देखकर इसके परिवार वालों को विश्वास हो गया कि उन्होंने अपना पेट काटकर स्पोर्ट्स क्लब की जो फीस भरी थी वो यूं ही नहीं भरी थी, बल्कि उनकी बेटी वाकई में हुनर का खजाना है। पर दोस्तों, घर पर मिली शाबाशी तो रिया की सफलता की बस शुरुआत थी, जहां इस लड़की के हेड कोच ने इस पूरी स्टोरी को सोशल मीडिया पर डाल दिया ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग रिया की कहानी के बारे में जान सके। और ठीक ऐसा ही हुआ, जिस किसी ने भी रिया के बारे में सुना वो सिर्फ और सिर्फ इस बच्ची की तारीफ कर रहा था, और कई लोगों को इसने इंस्पायर भी किया कि कैसे आप जो चाहें वो पा सकते हैं, बस आपके अंदर सच्ची लगन और मेहनत करने का जज्बा होना चाहिए। और इस लड़की के इसी जज्बे को देखते हुए कई सारे लोग इसकी मदद के लिए आगे आए, जहां पूरी दुनिया से हजारों लोगों ने इस लड़की को बधाई दी और जितना हो सके उतनी उसकी मदद की। सैकड़ों लोग तो ऐसे थे जिन्होंने इस लड़की को बिल्कुल ब्रांड न्यू स्पोर्ट्स इक्विपमेंट और जूते प्रोवाइड करवा दिए, ताकि ये अपने आगे की जर्नी को इसी तरह पूरी लगन और मेहनत के साथ कर सके। पर बात यहीं पर खत्म नहीं होती, बल्कि लोकल स्पोर्ट्स शूज सेंटर के रिप्रेजेंटेटिव को जब 11 साल की लड़की के अजूबे के बारे में पता चला तो उन्होंने खुद रिया को अपनी शॉप में बुलाया और उससे अपनी पसंद के जूते चुनने के लिए कहा। अब जाहिर सी बात है, जिस लड़की ने अपने टेप से बने जूतों के ऊपर नाइकी की ब्रांडिंग कर रखी थी, वो भला किसी और कंपनी का जूता कैसे चुन सकती थी। इसलिए रिया ने नाइकी के जूतों को चुना, और उस दिन जब लोग इसके साथ सेल्फी ले रहे थे तब उसे महसूस हुआ कि ये वाकई में कुछ है। दोस्तों, अपने आप को साबित करने के बाद रिया ने सपनों को तो उड़ान दे दी, लेकिन न जाने ऐसे कितने सारे बच्चे हैं जिन्हें प्रॉपर इक्विपमेंट्स न मिल पाने की वजह से अपने सपनों को बीच में ही छोड़ना पड़ता है। और अब दोबारा से ये चीजें ना हो इसलिए मीडिया ने इस पर ध्यान दिया और स्पोर्ट्स इक्विपमेंट बनाने वाली कंपनियों को ये बोला कि अगर हो सके तो वो इस तरह के गरीब बच्चों की मदद करें और उन्हें वो तमाम चीजें कम दाम में दे, ताकि ये भी अपनी जिंदगी में कुछ ऐसा कर सके जिससे इनके साथ साथ इनके देश का भी नाम रोशन हो। अब दोस्तों, इस केस के बाद दुनिया भर में तो बड़ी बड़ी कंपनीज ने इस तरह के बच्चों की मदद करने में कोई कसर नहीं छोड़ी, पर हर किसी तक इन कंपनियों का पहुंच पाना लगभग नामुमकिन है। इसलिए हम आम लोगों का ये फर्ज बनता है कि अगर हमारे पास कोई एक्स्ट्रा चीज है या फिर हम इस तरह के बच्चों को अपनी तरफ से कोई चीज खरीद कर दे सकते हैं तो ऐसा जरूर कीजिए, क्योंकि हमारे लिए तो पैसे हाथ के मैल की तरह है जो जाएंगे और चले आएंगे, लेकिन इनके लिए पैसे इनकी जिंदगी से कम नहीं है। जो अगर है तो इन्हें हंसने का हक है, लेकिन अगर नहीं है तो ये भूख मरने के लिए मजबूर है। हमें उम्मीद है आप भी इस तरह के लोगों की मदद के लिए आगे खड़े होंगे, ताकि जब कभी आपको मदद की जरूरत हो तो दूसरा भी आपके लिए खड़ा हो सके। वरना दिन भर लैपटॉप और फोन में घुसे रहना कोई बड़ी बात नहीं है, आज के टाइम पर हर कोई ये कर लेता है, लेकिन एक सच्चे सुपर हीरो की तरह लोगों की मदद करना ही सच्ची इंसानियत है। अब भले ही आपके पास किसी की मदद करने के लिए पैसे ना हो, लेकिन हर किसी की मदद पैसे से ही की जाए ये भी बिल्कुल जरूरी नहीं है। आप खुद ही सोचिए, जिस वक्त रिया अपने एक रेस लड़ रही थी तो उसी वक्त ग्राउंड में न जाने कितने सारे बच्चे जूते पहने बैठे होंगे। अगर वो चाहते तो केवल रेस के टाइम के लिए इस लड़की को जूते दे सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। पर आप इस तरह के मत बनना और जहां जिसको जरूरत पड़े उसके लिए खड़े हो जाना। बाकी आपका इसके बारे में क्या कहना है हमें कमेंट में जरूर बताना, और इसी तरह के इंटरेस्टिंग वीडियोस को लगातार देखते रहने के लिए अपने होस्ट और दोस्त सैम के चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब तो कर देना। धन्यवाद।